इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने खुर्शीद आलम उत्तर प्रदेश। इन्होंने लिखा है वालिद या वालिदा के पैर दबाते वक्त या तेल मालिश करते वक्त घुटने दिखते हैं तो क्या शरई हुक्म है। देखें, असल में इसमें दो तरीके के मामले। एक तो ये कि अगर खातून है यानी औरत है तो उसके पैर कोशिश करे कि लड़की ही दबाए, और अगर वालिद है तो उसके पैर जो है वो बेटा ही दबाए। दूसरे कि घुटने दिखने की तो इजाज़त नहीं है, यानी दिखाने की इजाज़त नहीं है। अगर पैर पे ज़रूरत के तहत मालिश की जा रही है, अव्वल तो ये कि अगर दोनों हयात हों तो बीवी शोहर और शोहर बीवी को ये खिदमत का मौका दें कि वो इस तरीके का मामला करें कि पैर दबाना हो या मालिश वगैरह करनी हो। बाकी अपोज़िट जेंडर जो है वो ये काम ना करें, ना करवाएं, यानी वालिद बेटी से ना करवाएं और वालिदा बेटे से। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि कहीं ऐसा मामला हो कि इसके दूसरी सूरत मौजूद नहीं है, मसलन किसी के वालिद बहुत ज़्यादा ज़यीफ़ हैं और बेटी ही है, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, और यह उसकी उम्र इतनी है कि 70-80 के आसपास के मतलब चेहरे पे समझ लें आप झुरियाँ पड़ गई, बहुत ज़्यादा कि शहवत का कोई अंदेशा नहीं है और कोई दूसरा है भी नहीं और उसको ज़रूरत है, तो ऐसे में अगर पैर दबाने की या मालिश करने की लड़की जो है ना अंजाम देगी खिदमत तो इसमें जायज़ की सूरत निकल सकती है, लेकिन घुटने वगैरह दिखाने से, देखने से, छूने से इसमें भी परहेज़ करना चाहिए। अलबत्ता इतना है कि अगर घुटने पर ही दर्द है या घुटने पर दबाने की ज़रूरत है तो फिर कपड़े वगैरह के ऊपर से इस काम को अंजाम दिया जाए, मतलब कोई चादर वगैरह पैरों पर डाली जाए जिससे किसी भी तरीके का कोई ख़तरा ना हो और फिर उससे दबाया जाए तो औरत दबा सकती है। यही सूरत हाल वालिदा के साथ है, मगर ये कि घुटने का परहेज़ करना चाहिए और पैर वगैरह दबाने ये अगर ज़रूरत पेश आए तो दबा सकते हैं इस एहतियात के साथ, और अगर अपोज़िट इसके कोई ऑप्शन मौजूद है तो फिर उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब अव्वल तो शोहर बीवी आपस में काम करें, लेकिन कोई हयात नहीं है तो फिर सेम जेंडर से करवाएं, औरत औरत ही से करवाए बेटी से तो ठीक है, इसी तरह बाप जो है वो बेटे से करवाए तो ठीक है। बेटे से मीन्स ये है कि बेटे की जीन्स यानी जेंट्स जेंडर से अगर आप, चाहे बेटा हो, पोता हो, नवासा हो, इस तरीके का कोई भी हो जो जेंट्स में हो। लेडीज़ का भी यही हुक्म है कि कोई काम करने वाली घर में है उसको खिदमत पर रखा है तो वो लेडीज़ हो या फिर बेटी हो, नवासी हो, पोती हो, कोई भी घर में लेडीज़ दूसरी कोई लेडीज़ हो, आपस में लेडीज़ हो, तो उस तरीके का मामला है कि उन्हीं से ये मामला कराया जाए अगर ज़रूरत पेश आती है तो। पुरानी बात।